ल्यूपस आर्थराइटिस यानी कि गठिया से रिलेटेड एक बीमारी है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें हम अगेन हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी यानी रोगों की लड़ने से की क्षमता है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को अपना दुश्मन समझने लगती है, उस पर अटैक करती है जिससे शरीर के अलग अलग हिस्सों में डैमेज होता है। ल्यूपस जो है एक सिस्टमिक बीमारी है यानी कि ये शरीर के काफी सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर सकती है। इनफैक्ट सिर से लेके पैर तक हर हिस्से को ल्यूपस इन्वॉल्व कर सकता है। इसलिए ल्यूपस का जो पूरा नाम है वो है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस बिकॉज इट कैन इन्वॉल्व एनी ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है। कुछ जो कॉमन सिम्टम्स है ल्यूपस के जैसे कि चमड़ी पे रैशेज होना, स्पेशली फेस पे, आंखों चीक पे, नाक के ऊपर जो सन एक्सपोज्ड एरिया है उन एरियाज में ल्यूपस के मरीजों में रैशेज हो सकते हैं। धूप से एलर्जी होती है जिसे हम फोटो सेंसिटिविटी कहते हैं। ये जो रैशेज हैं ये धूप में जाने से बढ़ जाते हैं। एक्सेसिव हेयर फॉल होना जिसे हम एलोपेशिया कहते हैं ये भी एक सेकेंड फीचर है ल्यूपस का। कई पेशेंट्स में मुंह में बहुत ज्यादा बार बार लगातार छाले होते हैं, स्पेशली तालू यानी कि पैलेट पे छाले होना, ये ल्यूपस का एक तीसरा सिम्टम है। इसके अलावा लंबे समय से बुखार आना जो कि एंटीबायोटिक्स या दूसरी दवाइयों की मदद से नहीं जाता है, वजन कम होना, खून की कमी होना, ल्यूपस के मरीजों में अनीमिया हो सकता है, प्लेटलेट कम हो सकते हैं और WBC यानी जो सेल काउंट होता है वो भी कम हो सकता है। कई सीवियर केसेस में ल्यूपस किडनी को इन्वॉल्व कर सकता है जिससे किडनी में यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है जिसे प्रोटीन यूरिया कहते हैं। इसके अलावा ल्यूपस जो है वो हार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है जिससे हार्ट के आसपास सूजन हो सकती है जिसे पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। हार्ट की मसल्स कमजोर हो सकती हैं जिसे मायोकार्डाइटिस कहते हैं। ये लंग्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है जिसकी वजह से ल्यूपस न्यूमोनाइटिस हो सकता है। फेफड़ों में सिकुड़न आ सकती है जिसे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कहते हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द होता है, गठिया की तरह प्रेजेंट कर सकता है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं, वैसे ही इन छोटे जोड़ों में गठिया के साथ ल्यूपस के पेशेंट्स प्रेजेंट कर सकते हैं। सारे ऑटोइम्यून डिजीजेस की तरह ल्यूपस में भी डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। जेनेटिक फैक्टर है, फैमिली में अगर ल्यूपस की हिस्ट्री है तो ल्यूपस होने का रिस्क ज्यादा होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कई गुना ज्यादा रिस्क होता है ल्यूपस का, जिसके लिए अगेन फीमेल हार्मोन को एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर माना जाता है। उसके अलावा कुछ स्टडीज कहती हैं कि वाइटामिन डी की कमी जो है वो भी ल्यूपस का रिस्क बढ़ा सकती है। उसके अलावा कुछ इन्फेक्शन होते हैं, वायरल इन्फेक्शन जैसे पार्वो वायरस, एपस्टीन बार वायरस, CMV, ऐसे कुछ वायरल इन्फेक्शन हैं जो ल्यूपस को ट्रिगर कर सकते हैं। ल्यूपस का डायग्नोसिस जो है वो क्लिनिकल और टेस्ट दोनों की मदद से होता है। क्लिनिकल फीचर्स में जैसा कि मैंने आपको बताया जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जैसे कि फेस पे रैश जिसे बटरफ्लाई या मेलार रैश कहते हैं, इट्स अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ ल्यूपस। साथ में फोटोसेंसिटिविटी, एलोपेशिया, मुंह में छाले, जॉइंट पेन, ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये ल्यूपस का डायग्नोसिस करने में मदद करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट ब्लड टेस्ट जिनमें कंप्लीट ब्लड काउंट जिसमें हम देख सकते हैं पेशेंट को अनीमिया या प्लेटलेट की कमी तो नहीं है, देन लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ल्यूपस के डायग्नोसिस के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्क्रीनिंग टेस्ट है वो होता है ANA का टेस्ट। ANA एक तरह की एंटीबॉडी होती है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जो ब्लड में पाई जाती है, इसको टेस्ट करते हैं। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव है देन हम आगे फर्दर टेस्ट करते हैं ल्यूपस के लिए। ANA का टेस्ट जो है वो एक स्पेशल मेथड जिसे इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंट असे कहते हैं, उसकी मदद से किया जाता है। उसके अलावा बॉडी में C3 C4 जो कि कॉम्प्लीमेंट लेवल्स हैं वो लो हो जाते हैं उनको टेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कूम्स टेस्ट कर सकते हैं ये देखने के लिए अनीमिया जो है वो ऑटोइम्यून है कि नहीं। अदर देन दैट यूरिन टेस्ट, ये चेक करने के लिए कि यूरिन में प्रोटीन तो नहीं जा रहा ल्यूपस की वजह से, ये कुछ टेस्ट हैं जिनकी मदद से हम ल्यूपस का डायग्नोसिस बना सकते हैं। जिन पेशेंट्स में ANA पॉजिटिव आता है देन उसका फर्दर टेस्ट कर सकते हैं, ANA प्रोफाइल कर सकते हैं, स्पेशली अगर DSDNA या एंटी स्मिथ ये दो एंटीबॉडीज अगर पॉजिटिव आती हैं ब्लड में
तो दे आर वेरी स्पेसिफिक इन मेकिंग अ डायग्नोसिस ऑफ ल्यूपस। सिर्फ टेस्ट पॉजिटिव आने का मतलब ल्यूपस नहीं होता। ल्यूपस का एक डायग्नोस्टिक या क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया होता है जिसमें क्लिनिकल सिम्टम्स अलॉन्ग विद लैबोरेटरी टेस्ट दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, देन ओनली वी कैन मेक अ डायग्नोसिस ऑफ ल्यूपस। वंस वी मेक अ डायग्नोसिस ऑफ ल्यूपस देन जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि मरीज को बीमारी कितनी सिवियर है और किस किस ऑर्गन को इन्वॉल्व कर रही है। अगर पेशेंट को कोई मेजर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है या यानी कि सिवियर बीमारी है उस केस में स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ सकती है और स्ट्रॉन्गर इम्यूनो सप्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो ल्यूपस इज अ पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। लाइफ थ्रेटनिंग होने के साथ साथ ऑर्गन थ्रेटनिंग भी होती है। अगर किसी पेशेंट को सिवियर ल्यूपस है, सिवियर ल्यूपस हम तभी कहते हैं अगर उसमें बीमारी इतनी ज्यादा है कि वो किसी मेजर ऑर्गन को डैमेज कर सकती है या फिर पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो इस कंडीशन में काफी अग्रेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। द प्रॉब्लम विद ल्यूपस इज मेनी अ टाइम उसका डायग्नोसिस समय पर नहीं बन पाता। कई बार पेशेंट जो है वो वेग सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है, जैसे 2-3 महीने के का बुखार है, खून की कमी है, थोड़ा बहुत किडनी में सूजन है। तो डायग्नोसिस बनाना कई बार मुश्किल होता है, कई बार टेस्ट की अवेलेबिलिटी नहीं होती, स्पेशली इन रूरल एरियाज, वहां पर भी डायग्नोसिस मुश्किल होता है। एक बार ल्यूपस का डायग्नोसिस बन जाए और अगर बीमारी सिवियर है उस कंडीशन में ट्रीटमेंट अग्रेसिव होता है। ऐसे पेशेंट्स में स्टीरॉयड के पल्स दिए जाते हैं 3-5 डेज, उसके बाद ओरल स्टीरॉयड, हाई डोज ओरल स्टीरॉयड दिए जाते हैं और स्ट्रॉन्ग इम्यूनो सप्रेशन देने की जरूरत पड़ती है। दवाइयों के भी अपने साइड इफेक्ट्स हैं, वो भी पेशेंट से एक्सप्लेन करने होते हैं। और साथ ही इन पेशेंट्स में क्योंकि इम्यूनो सप्रेशन काफी स्ट्रॉन्ग दिया जाता है तो इन्फेक्शन का रिस्क भी ज्यादा होता है, इसलिए उसके लिए भी मरीजों को मॉनिटर करना पड़ता है। बाकी आर्थराइटिस की तरह ल्यूपस के पेशेंट्स को भी स्मोकिंग एंड अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। देन जो इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल चेंजेस पेशेंट को अपनी तरफ से करने होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सनलाइट जितना हो सके अवॉइड करें, क्योंकि यूवी रेज जो हैं वो ल्यूपस को बढ़ाते हैं, डिजीज को फ्लेयर करा सकते हैं या बीमारी को ज्यादा सिवियर कर सकते हैं। साथ ही स्किन पे जो रैशेज हैं वो भी सन एक्सपोजर से बढ़ते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि जो ल्यूपस के पेशेंट है जितना हो सके जब भी बाहर निकले घर से वो अपने आप को जितना हो सके कवर करके निकले। सनस्क्रीन का यूज बहुत इम्पोर्टेंट है, घर से निकलने से एटलीस्ट 1/2 घंटा पहले सनस्क्रीन अप्लाई करें और सारे सन एक्सपोज एरिया पे, फेस, गर्दन पे, हाथों पे, जो भी एक्सपोज एरिया है उन पे सनस्क्रीन लगाएं। सनस्क्रीन अपने साथ ही रखें और बार बार उसे अप्लाई करें क्योंकि सनस्क्रीन का इफेक्ट जो है वो 3-4 घंटे तक ही रहता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये जानना जरूरी है कि सनस्क्रीन सिर्फ धूप में लगाए ऐसा जरूरी नहीं है, अगर बादल हैं, बारिश का मौसम है तो भी सनस्क्रीन अप्लाई करना जरूरी है। इनफैक्ट दिन के टाइम पे घर पे भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए।